सोशलिज्म, ये दो चीजें एक साथ ध्यान देंगे। और इस हैदराबाद में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का बहुत ज्यादा रुझान है, यूनिवर्सिटीज के अंदर कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट बहुत होते हैं, कराची के अंदर जो है वो कैपिटलिस्ट ज्यादा है। अब ये सियासत मईशत का निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम मईशत, इसके मुकाबले में है कैपिटलिज्म और इसके साथ है सोशलिज्म। तो इस्लाम हमेशा मुतवस्सित दीन है, बाकी दो जितनी भी इंतहाएं होती हैं वो इस्लाम नहीं होता। अब सोशलिज्म पूरी दुनिया के अंदर रशिया और इसके अलावा जो है चाइना में रहा और ये ख़त्म हो गया। सोशलिज्म या कम्युनिज्म बोले एक ही बात है, ये एक मईशत का वो निज़ाम है जिसका तरीका ये है कि वो कहते हैं कि एक बंदा है जिसके दो बच्चे हैं और वो 10 लाख कमाता है, और दूसरा बंदा है कि जिसके 10 बच्चे हैं और वो 10,000 कमाता है। लिहाजा इस बंदे को नुकसान हो रहा है, तकलीफ हो रही है, लिहाजा सोशलिज्म का नजरिया ये कहता है कि जिस बंदे के पास जो 2 बच्चे हैं और 10 लाख कमाता है तो उसको 1 लाख से भी काम हो जाएगा, लिहाजा इसके 9 लाख इससे छीन ले जाए और गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। कोई बंदा भी अपनी जाती मिल्कियत में कोई चीज भी नहीं रख सकता, बंदा भी अपनी जाती मिल्कियत के अंदर कोई शय नहीं रख सकता, हर चीज हुकूमत की मिल्कियत होगी। अब ये ऐसा निज़ाम है कि जो दोस्त नहीं है, हर बंदा इसको समझता है कि अगर ऐसा निज़ाम हो जाए तो कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है उसकी सैलरी भी 1 लाख रुपए, तो जो यूनिवर्सिटी में झाड़ू लगा है उसकी सैलरी भी 1 लाख रुपए, तो वो मेहनत क्यों करेगा? जब उसको पता है कि अगर वो 10 लाख कमाएगा तो 9 लाख कोई और ही ले जाएगा, तो उसको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। से जीता नहीं।